सभी पशु प्रेमी भाइयों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साकू डायरी फार्म पर। दोस्तों आज हम आपको एक जो देसी दवाई ही कहूंगा मैं इसको, जो पशुओं की बाई की समस्या होती है उसके लिए हम आज एक देसी नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। यदि आप में से आप भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को दबा लें। और दोस्तों बाई की समस्या पशुओं में ज़्यादातर पहले या दूसरे ब्यात की जो भैंसें होती है भैंसों में ज़्यादा आती है, लेकिन गायों में भी आती है। ये चाहे गाय किसी भी नस्ल की हो लेकिन भैंसों में पहले दूसरे ब्यात की झोटियों में ज़्यादा आती है, लेकिन कोई पक्का नहीं है। कई बार सातवें आठवें ब्यात की जो बड़ी उम्र की भैंसें होती हैं उनमें भी बाई आ जाती है। और बाई और जो बाई बा और जो अडर के ऊपर सोजिश आ जाती है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ देसी हिसाब से। जो अडर के ऊपर थोड़ी सोजिश से आ जाती है पशु की डिलीवरी के टाइम, तो उसको बाई कहते हैं, बाई या बाव। तो उसके लिए एक देसी इलाज है हरा धनिया, सबसे बेस्ट उपाय है और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा। कई भाइयों के मैसेज भी आते हैं हमारे पास कि आप बताओ इसके बारे में, तो देखिए आप वीडियो में कि जो बाई है, देखो ये तो एक कुदरती है पशुओं में आना, लेकिन कई बार ये पशु पालक को नुकसान दे जाती है बाई। अगर पशु में रुक जाती है एक साइड से, या कई बार आगे वाले या पीछे वाले किसी भी एक थन पे रुक जाती है, तो कई बार तो पशु का चाहे गाय हो या भैंस हो थन ही खराब हो जाता है। लेकिन अगर ना भी हो तो अडर एक साइड से ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। तो इसका एक उपचार, बहुत बढ़िया उपचार है हरा धनिया, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप देखते रहिए हमारे साथ इस वीडियो को। हरा धनिया लगभग जब इसका मौसम आता है तो लगभग हर जगह मिल जाता है, लेकिन जब इसका टाइम नहीं होता मार्केट में आने का, तब आपको यानी मौसम नहीं होता तब इसके उगने का, तब आपको ये सब्जी मंडी में मिल जाएगा, या अगर थोड़े ही दिन में तैयार हो जाता है आप अपने घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं हरे धनिया को, क्योंकि बहुत बढ़िया उपचार है हरा धनिया। बाई के अंदर बहुत बढ़िया काम करता है, चाहे पशु में पिछले वाले ब्यातों में बाई आके रुके क्यों ना, अगर आप उसको टाइम से हरा धनिया खिलाओगे तब वो ताज़ा ब्याई हो या ब्याने वाली हो तब वो काम करता है हरा धनिया। अगर पशु कई बार अडर की जो बनावट होती है वो देखो ग्रोथ भी बहुत बढ़िया बाई की वजह से होती है पशु की, ये बात है। अगर बाई चलती रहे अपने आप चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये लगे कि भाई पशु में बाई रुकने वाली है, तो सबसे बेस्ट उपचार मैं बताऊँगा आपको हरा धनिया ही है। आप एक एक गुच्छी दिन में उसको तीन बार दें, यानी पूरे दिन में तीन बार गुच्छी दें हरे धनिया की, पूरा एक मतलब बंडल सा बना के दे आता है मार्केट से। अगर वहां से नहीं मिलता आपको तो आप अपने घर पे भी इसको उगा सकते हैं, बहुत जल्द तैयार हो जाता है ये, लेकिन सब्जी मंडी में मार्केट में मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो अगर मौसम के हिसाब से ना हो थोड़ा बहुत रेट में आई हो सकता है, लेकिन मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट उपचार है। कई बार उसके ऊपर अडर के ऊपर नील भी लगा देते हैं या हींग भी लगा देते हैं, तो उससे कई बार हींग से दिक्कत हो जाती है पशुओं के अडर को। तो सबसे बेस्ट उपचार हरा धनिया है। आप अपने पशु को अगर बाई रुकी हुई है या चल भी रही है, आप नहीं चाहते कि भाई पशु में बाई रहे, तो उसकी वजह से पशु को वैसे भी समस्या रहती है बाई की वजह से, बैठ नहीं पाता एक साइड से, दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो आप हरे धनिया का यूज़ करो, जिसको इंग्लिश में कोरिएंडर भी कहते हैं, हरे धनिया का आप यूज़ कर सकते हैं। अब जिन भाइयों को नहीं पता बाई क्या होती है, तो जब पशु की डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उसके अडर में सोजिश आ जाती है, रोज सोजिश घूमती रहती है, तो उससे अडर की ग्रोथ भी बढ़िया होती है, लेकिन कई बार अगर वो रुक जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है पशु में, और कई बार तो उसके थन खराब भी हो जाता है एक या दो थन अगर अडर में ज़्यादा बाई आ जाए। तो इस बाई का जो एक एक्सपीरियंस है अनुभव के साथ यूज़ किया हुआ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हरे धनिया का। एक आपको को काट के देना है पशु को, खिला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा लेता है पशु, तो आप उसमें दे सकते हो हरे धनिया का। आप प्रयोग करो अगर आपके पशु में आपको दिख रही है भाई बाई की समस्या ज़्यादा है,
तो आप हरे धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अपने मित्रों के साथ, किसान पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का जो चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा भी यही मकसद है अब कि थोड़े बहुत जो नुस्खे हैं आपको समय समय पर बताएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।